तो आज हम लोग बहुत खुश है और देख सकते हैं वैसे हमने केक रखा हुआ है। तो केक क्यों रखा हुआ है, इसका एक कारण है। तो आज इनका इंडियन रेलवे में वर्किंग का 8 साल कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि आप करते हैं तो इस साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 7 साल मेरा मुंबई में कंप्लीट हुआ में, तो हमारा टोटल 8 साल कंप्लीट हो गया रेलवे में। तो चलिए आज सेलिब्रेशन, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा केक है। जितना हम पता हम लोगों ने किया, क्योंकि हर साल में जो जॉब होता है वो सबको नहीं मिल पाता है, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग केक कटिंग करते हैं। देख सकते हैं आयान ने पहले कट कर दिया, हर साल ऐसे ही करता है जब से हुआ है तब से ये केक सबसे पहले। चलिए इनको बोलते हैं केक कटिंग करने के लिए और सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे हुआ कि जॉब मिला रेलवे में, जॉब तो नॉर्मल बात है कि रेलवे में जॉब का क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए केक काटते हैं, उसके इम्पोर्टेंट बहुत सारी बातें आपको आज बताने वाले हैं। चलिए do you happy birthday to you to daddy, happy birthday to you daddy, to you। अब ये तो मुझे पसंद नहीं है पर बहुत ही टेस्टी है। फिर उनके बहाने हम लोग खाते हैं। ये लीजिए साड़ी पटेल, केक मुझे पसंद। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे लोग को केक खिला दिए हैं और लोग टेरिस पे गए हैं खेलने के लिए बाकी बच्चों के साथ में। तो जैसा कि मेरा रेलवे में 8 साल कंप्लीट हो गया है और मैं 2016 में रेलवे लगा था, 2016 में हाँ 2016 परमानेंट जॉब हो गया था। अभी 2024 में मैं लगा था, तो और अभी 2024 चल रहा है। टोटल 8 साल हो गए हैं हमारे रेलवे जॉब को, और बहुत सारे फील्ड है जॉब के, प्राइवेट जॉब भी है, हर तरह का जॉब है, बिजनेस है, बहुत कुछ है। पर रेलवे का जॉब जो रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये सभी लोगों को कब मालूम पड़ा, जब कोरोना का समय आया। जब कोरोना का समय आया तो बहुत लोग के जॉब छिन चुके थे, बहुत लोग मतलब बेरोजगार हो चुके थे, बहुत लोग गांव प्लान कर रहे थे जो मतलब प्राइवेट में कमाते थे। और रेलवे का ऐसा एक जॉब था जो कि हमको मतलब घर बैठा करके 3 से 4 महीने तो हम लोग को मतलब घर बैठे बैठे पेमेंट हमारा 31 तारीख आते रहा, क्योंकि ऐसा काम हम लोग करके वो लोग देते हैं, इसके लिए सरकार ने इन लोगों को बहुत। तो रेलवे का ऐसा जॉब रहता है क्या, मतलब बहुत ही लोग समझते नहीं थे, पर कोरोना के बाद सब लोग समझ रहे नहीं, रेलवे जॉब ही सबसे अच्छा जॉब होता है। तो मैं तो कहूँगा कि सबको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और भविष्य के लिए भी बहुत ही सेफ और सिक्योर जॉब है रेलवे का जॉब। और इसमें पैसे भी है मतलब कम, प्राइवेट में कम है पर मेहनत प्राइवेट में ज़्यादा होता है। अभी इसमें कम रहता है तो इस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छा है काम। तो इनका भी हार्ड वर्किंग रहता है, बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, लेकिन क्या है प्राइवेट वाले में क्या है ओवर टाइम भी कराते हैं ये भी, पर इसमें क्या है रेलवे में बंधा हुआ है। और जो कोरोना के टाइम पे पता चला हम लोगों को भी कि रेलवे जॉब क्या है, मतलब हमारे घर में सब रेलवे जॉब ही करते हैं, तो इसके लिए हमारा सारा फील्ड मतलब रेलवे जॉब में ही सबका गया है। और जब कोरोना का समय था तब मतलब बिल्कुल मतलब लोग के हाथों में पैसे जो भी बचे सारे खत्म होते जा रहे थे, पर हम लोग भगवान की दया से मतलब रेलवे का जॉब था तो हमें टाइम टू टाइम पैसे मिलते गए। और 4 से 5 महीने हम लोग मतलब रेलवे मतलब पैसा देते गए, फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब जॉब मतलब घर पे बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मतलब लोगों की मदद की रेलवे के थ्रू, जैसे मतलब एक कैरेज जो है एक बॉगी, उसमें हम लोग ने मतलब बेड वगैरह ये सब सिस्टम वगैरह ऑक्सीजन जब काम रेलवे में कोरोना का जो 3 महीने के पार्ट के बाद जब ओपन हुआ काम वर्किंग जो डे स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इन लोगों को उसमें बहुत हार्ड वर्किंग फिर से आया था। क्यों, क्योंकि उसमें उनको बेड बनाना पड़ा, मतलब सारा कोरोना के टाइम में मतलब जितने लोग थे उनके लिए अलग अलग तो ये सब मौका मिला हम लोग को करने का, सेवा करने का। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल पूरी तरह से चालू हो गया, मतलब आज इसको बुला रहे तो कल उसको, ऐसा छोटे छोटे शिफ्टिंग करके काम कराते थे।
और इसी तरह से तब लोगों को मालूम पड़ा, जो भी हम लोग के आसपास के लोग थे पहले तो जितने मुंबई में लोग हैं, जितने हम लोगों ने सबको जानकारी हुआ कि हम रेलवे में जॉब कर रहे, तो उतना किसी को मतलब वो इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब कोरोना के टाइम पे सबको पता चला कि हमारा पेमेंट आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम सामने वाले को भी पेमेंट जब करने गए किराए वाले को, मकान मालिक को, तो उन्होंने बोला आपको पेमेंट दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा? बोले नहीं, हमारा आया इसलिए हमने हमारा जिसका हमारे पास जिसका जिसका बकाया रेलवे मतलब सारा चीज मतलब करके दिया। तो एक रेलवे जो काफी अच्छा है, सिक्योर है, और ये सब चीज़ हमको कोरोना के समय में पता चला। तो आज हमारे 8 साल हो गए कंप्लीट रेलवे जॉब का, तो काफ़ी खुशी की बात है। और चलिए इन लोग को हम पार्टी दे देते हैं कुछ छोटा सा अपनी तरफ से, और इसलिए हम लोग ने आज केक लाया। केक हर साल हम लोग करते हैं इसी तरह, तो मेरा पिछले साल भी ब्लॉग देखे है, तो हम लोगों ने केक कटिंग किया था। हम लोग हर साल करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब रेलवे जॉब मिलना वो ये होता है, जॉब रेलवे जॉब कोई भी जॉब खराब नहीं होता है। तो जब जॉब में लगे हैं तो उसको सेलिब्रेट हम लोग बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, तो जिससे हम जिस इनकम से हम लोग बर्थडे एनिवर्सरी या फिर कुछ भी छोटा मोटा जो सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम थोड़ा खुशी का थोड़ा सा पल कब चुरा लें तो उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई दिन है तो आप लोग भी जरूर सेलिब्रेट कीजिए कि आज के दिन हम अगर ज्वाइन किए हैं, तो हम तो ये बोलेंगे खुशियाँ बटोरने से मिलती है, जब पीछे भागोगे तो नहीं मिलेगी, इसीलिए हम लोग बटोर लेते हैं जितना भी मिलता है खुशी। तो चलिए इस ब्लॉग पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।